नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान के एमसीक्यू देख रहे थे। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे, अभी तक 300 क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें बात करेंगे 301 से आगे। याद रखिए, आपके जितने भी इससे संबंधित लेक्चर 3 खत्म कर चुके अभी तक, वो सभी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे 301 से आगे, देखेंगे 301 बार क्वेश्चन है हमारा। राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो आपको बता देना है मध्य प्रदेश, एमपी। क्या है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हरिश्चंद्र 1944 को प्रोड्यूस किसने किया? तो याद रखा, ए बी मेईपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो याद रखना, रंगनाथ स्वामी मंदिर। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर चार है आपका, निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रतन भंडार में बदल दिया गया? तो आपको बता देना है, महाराजा रणजीत सिंह। क्या है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर पाँच है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, कराची में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, कर्नाटक के फिसंग में हले हले गन्नड़ क्या है? तो याद रखना, यह एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी 307, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो याद रखना, पारसी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, 308, बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादक है? तो याद रखना, सहनाई। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? तो याद रखना, लाल बलुआ पत्थर। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय कथाओं के अनुसार ध्रुव बर्ड किसका अवतार है? तो आपको याद रखना है, यह गणेश का। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ने की थी? तो याद रखिए, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? तो याद रखना, कर्नाटक। क्या है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, कुरान का पहला अध्याय क्या है? कुरान का पहला अध्याय क्या है? तो याद रखना, अल फतह। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली रेगुड़ बजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह दवा। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, सत्तीय नृत्य भारत में किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखना, असम। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सोलह है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पेगोडा कहा? तो याद रखना, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। कहाँ है? कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 17, चपचारकूट त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो याद रखना है, मिजोरम। क्या
क्या है? ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से क्या राजस्थान में नहीं है? तो याद रखना है, नरवर का किला राजस्थान में नहीं है। क्या है? एकलिंग जी है, करणी माता का मंदिर है, और जूनागढ़ का किला है। नरवर का किला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, सौर मंदिर किस प्रदेश में है? सौर मंदिर किस प्रदेश में है? तो याद रखना, तमिलनाडु में है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ब्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में। क्या है? साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 21, एडविन एडविन लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने में निम्नलिखित में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो याद रखना, हर्बर्ट बेकर। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना, चित्रकला। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो याद रखना, हजरत हुसैन शाह अली वली। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 24, सीडी वसीर मस्जिद कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। ठीक है, आगे हमारा 24वां क्वेश्चन कौन सा? निम्नलिखित में पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो याद रखना है, पंजाब का अमृतसर शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर आपका 26, उत्तर पूर्व भारत की प्रसिद्ध डी त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? तो याद रखना, उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर आपका है 28, केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी किसका जन्म स्थान है? तो याद रखना, आदि शंकराचार्य। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से जिसके भजन पाए गए किसके? तो याद रखना, जयदेव। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है? तो याद रखना, इसमें होगा विमान और शिखर। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31, मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था? तो याद रखना है, सिंह विष्णु। क्या है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो याद रखना, भीष्म पर्व। ये ऑप्शन सही है। क्या है? भीष्म पर्व। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं? तो याद रखना, बारबरा की गुफाएं। क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, वेदांतम सत्य नारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो याद रखिए, कूचिपुड़ी। क्या है? कूचिपुड़ी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आपका है 35, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो आपको बता देना है, विष्णु। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 36, पंचमहल आपका कहाँ स्थित है?
पंचमहल आपका फतेहपुर सिकरी में स्थित है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 37, टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? पारसी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 38, फंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य नाटक है? तो याद रखना छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 39, डुंडी राज फाल्के फिल्म जगत के किस महान महापुरुष से संबंधित हैं? तो याद रखना दादा साहब फाल्के, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, चालीस है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म फिल्म कौन सी थी? तो याद रखना कृष्ण कन्हैया। क्वेश्चन नंबर 41, चोर टेन किस धर्म से संबंधित शब्द है? तो याद रखना बौद्ध धर्म से, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 42, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो याद रखना रतनगिरी, सी ऑप्शन सही है। फिर 43 क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में गुप्तकाल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? तो याद रखना मध्य प्रदेश में, क्या है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन 44, विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है किस प्रदेश में है? यह पश्चिम बंगाल, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में है? तो याद रखना है चीन में, सी ऑप्शन सही है। 46, प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? याद रखना एलिफेंटा में, डी ऑप्शन आपका सही है, क्या है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन 47, भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी? तो याद रखना 1977 में, कब? 1977 में। क्वेश्चन है आपका 48, क्या है? 48, हेमिस गोप्पा किस क्षेत्र में है? लद्दाख में, ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर है 49, दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है? तो याद रखना भारत में, क्या है? बी ऑप्शन भारत। क्वेश्चन नंबर है 50, डॉक्टर एम बाल मुरनी किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो याद रखना कर्नाटक संगीत, क्या है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 51, नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावड़ी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? महाराष्ट्र, डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन है आपका 52, सैंडल बोर्ड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो याद रखना कन्नड़ सिनेमा के लिए, बी ऑप्शन सही होगा आपका, क्या होगा? बी ऑप्शन सही, कन्नड़ सिनेमा। क्वेश्चन है आपका 53, पुत्र राज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? तो याद रखना आपका होगा बी ऑप्शन चिदंबरम, क्या है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 55, संगीत के क्षेत्र में ताना रीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो याद रखना गुजरात, डी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है 56,
बुहागु बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत में भारत के प्रदेश का त्यौहार है? तो आपको पता होगा, असम। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 57। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखना है आपको, मकर संक्रांति। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58। मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? तो याद रखना, राजस्थान। किसमें? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 59 59 है आपका। भाम कालपम नित्य नाटक से सिद्ध देहेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कौन सा विकसित किया गया है? तो याद रखना, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्या है? बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन है 59 का। फिर है आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो याद रखना, दीमापुर। सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन 61। निम्नलिखित में से कौन सी संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी? तो याद रखना है, वारकरी संप्रदाय। ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 62। वनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? तो आपको बता देना है, किशनगढ़ चित्रकला। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 63। सिंघे खाबाक्स किस प्रदेश का त्यौहार है? तो याद रखना, जम्मू कश्मीर। बी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है 64। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? तो यह मेवाती। सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है 65। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो यह तमिलनाडु। डी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है 66। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो याद रखना, अमीर खुसरो। क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है 67। निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी? तो याद रखना, नाजी नजरुल इस्लाम। डी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 68। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो याद रखना, डी ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय। क्वेश्चन है आपका 69। निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बंगला लिखा? तो याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 70। केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो याद रखना, अप्रैल। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 71। हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है? तो याद रखना, पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 72। क्या है? 72 है, निम्नलिखित में से किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इस नाम की फिल्म बनाई? तो यह विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 73। कौन सा? 73। मातूर गांव जहाँ के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं किस प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 74। बेसिलिका ऑफ बॉम
जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? तो यह गोवा में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 75, मड़ई त्यौहार किस प्रदेश की आदिवासी त्यौहार है, किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन सही है आपका। मड़ई त्यौहार आपका छत्तीसगढ़ की आदिवासी त्यौहार है, ठीक है, जाति का। क्वेश्चन है 76, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका 77, शिशिर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 78, भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो याद रखना, श्रीलंका और सिंगापुर, क्या होगा? श्रीलंका और सिंगापुर, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 80, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, कई बार पूछ लिया है, सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो यह केरल में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 81, रमन किस प्रदेश का त्यौहार है? यह है आपका उत्तराखंड, रमन उत्तराखंड का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 82, प्रसिद्ध नाभा कलेवर त्यौहार किस प्रदेश से संबंधित है? यह उड़ीसा, डी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका 83, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विलयक पिगोड़ा कहा जाता है? तो यह सूर्य मंदिर कोणार्क, बी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 84, काला घोड़ा नामक त्यौहार किस शहर में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मुंबई, कहाँ? मुंबई में मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 85, क्या है 85, हनुक नामक विकास का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो यह है यहूदी, डी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसे बंगाल का गीता गार्बो कहा जाता है? यह आपकी सुचिता सेन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 87, थीपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? यह तमिल के द्वारा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 88, फ्लेमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन है आपका 89, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना, अज्ञात भारतीय ने, कोई भारत का था इसका नाम पता नहीं है, ठीक है, अज्ञात है, लेकिन भारत में ही हुआ है इसकी आविष्कार, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 90, वेद व्यास की स्थापना किसने की थी? तो यह है वेद समाज की, तो केशव चंद्र सेन ने, डी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है 91, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये थे ध्यानेश्वर, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 52, निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे? तो ये थे आपके रैदास जी, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 93, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? तो याद रखना, इसमें होगा विमान, विमान मंदिर वास्तुकला द्रविड़ शैली की विशेषता है, ठीक है। फिर 94 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? तो यह नटराज, ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है 95, महाबलीपुरम के पिगोड़ा किसके द्वारा बनवाए गए? तो ये बनवाए गए थे पल्लव शासकों द्वारा, क्या है?
बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, पल्लव। क्वेश्चन है आपका 96, पाली भाषा में निघंटा नटपुत्र किसे कहा गया? तो महावीर को। ए ऑप्शन आपका सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है, महावीर। क्वेश्चन है 97। क्या है? 97 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? तो याद रखना, तोल कप्पियम। सी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? तो याद रखना, यजुर्वेद। डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन है 99, कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? तो आपको बता देना है, 12वीं सदी में कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है 100वां, यानी कि 400वां। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो ये है आपका गुप्त काल। तो चलिए, हम लोगों ने 400 क्वेश्चन अभी तक खत्म कर चुके हैं। 401 से आगे हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ याद रखिए, टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है।